तमाशा.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश तिवारी और हम खड़े हैं प्रयागराज कुंभ में संगम के तट पर, जहां श्रद्धालुओं का उमड़ना जारी है। दूर दूर से, देश के कोने कोने से श्रद्धालु आए हैं। कुछ लोग यहां की व्यवस्थाओं से बहुत संतुष्ट और खुश हैं, तो कुछ जो है वो नाराज भी हैं। हमारे साथ गुजरात के रिटायर IG पंड्या जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कैसी व्यवस्था है सर यहाँ। पुलिस प्रशासन, CRPF और लोकल पुलिस और उसके सहयोगी दल की बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था है। ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छा, बहुत अच्छा है। और स्नान के लिए यहाँ जो व्यवस्था की है वो भी बहुत बढ़िया है। यहाँ कोई भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। महिलाओं के लिए भी यहाँ अपना कपड़े चेंज करना है, स्नान करना है, सब लिए अच्छी तरह से बिल्कुल एकदम सुधारू तरफ से इसका प्रयोजन किया गया है। पूरा यूपी सरकार की तरफ से जो व्यवस्था किया गया है, रोड रास्ते की एक मार्ग की रास्ता, दूसरी मार्ग की रास्ता, वो बहुत बढ़िया है। और यहाँ आने से हमको ऐसा लगा, क्योंकि हम की नौकरी में रहे तो कभी हमको टाइम नहीं मिला, और बहुत अच्छा है। मीडिया भी यहाँ बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, अच्छा सहयोग देते हैं। हर प्रकार के जो लोग है अच्छी तरह से हमको गाइडेंस दे रहे हैं। और हम पूरे फैमिली के साथ में, हमारे साथ में राजकोट के एडवोकेट भी आए हैं, तो अच्छी तरह से यहाँ हमने देखा है पूरी व्यवस्था। हमारे साथ बनारस के मिश्रा जी भी हैं। कैसा अनुभव रहा है? मैं सबसे पहले यहाँ के स्थान के जितने भी स्थानीय प्रशासन हैं और जितने भी लोकल पुलिस हैं, बाहरी लोग हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हृदय से। दिव्यकुंभ भव्यकुंभ का जो हमारे सरकार ने नारा दिया था, उसके लिए हम सारे साधु संत के समाज लोग जो हैं बहुत तहे दिल से सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। और जितनी सुविधाएं मूलभूत रूप से होनी चाहिए वो सरकार की तरफ से सकारात्मक रहा है, उसका आपको रोडमैप जमीन पे भी दिखेगा। हम भारत सरकार की तरफ से भी ये, आप मोदी जी की तरफ से भी आह्वान करना चाहते हैं कि जो संतों के लिए, सामान्य रूप से सभी वर्गों के लिए जो कुंभ का एक समायोजन किया गया है, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ यहाँ के प्रशासन को, मीडिया को, सबको और सारे आम जनमानस को भी, कि अपने शिष्टाचार से, व्यवहार से, आचरण से स्नान कर रहे हैं, किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। हमारे महामंडलेश्वर धर्म महापुरुष भी यहाँ पे पधारे हुए हैं और बड़ा ही संयोग है, संयोग भी है कि सब लोगों का दर्शन होता है। यह भी एक बहुत बड़ा पौराणिक महत्व है यहाँ के संगम स्नान का, इसलिए मैं हृदय से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ बलदेव मिश्रा जी, रामदेव मिश्रा जी भी हैं, जो कुछ यहाँ की व्यवस्थाओं को से खफा हैं और वो अव्यवस्थाओं का उल्लेख कर रहे हैं। हम अभी, हमारे जो पूर्व वक्ता लोग, उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। यह अभूतपूर्व मेला है, ऐसा प्रबंध कभी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक इसमें कमी हमको दिखाई पड़ती है, प्रशासन को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि उसको तुरंत अपना सुधार ले, भी काफी समय है। यहाँ पर पेशाब घर पिछले सालों में महिलाओं के लिए, रास्तों में महिलाओं और पुरुषों के लिए जगह जगह बने रहते थे। पूरी व्यवस्था होते हुए भी ये एक कमी हमको दिखाई पड़ती है। हम प्रशासन और सरकार से कहेंगे इस पर तुरंत ध्यान दिया जाए और ये व्यवस्था की जाए, क्योंकि ग्रामीण जनता जो आएगी उससे फिर वो ये ऐसी लघु शंका और दीर्घ शंका होती, कोई रोक नहीं पाता कि वो जो स्वच्छता का हमारा अभियान है उस पर थोड़ा सा कमी आ जाए, तो इसका तुरंत व्यवस्था की जाए। मेरा प्रशासन से मेरी यही गुजारिश है, हम उसके आभारी होंगे अगर ये तुरंत व्यवस्था करें। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।